हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको डॉल बाई ऑन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इस वाले पोर्शन से और साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से और वीडियो बना सकते हैं जिसमें वीडियो बना हुआ है, कैमरा बना हुआ है। यहाँ से जब आप सेलेक्ट करिएगा तो जो कुछ ट्रैक पहले से सेव हैं वो आपको दिखने लगेंगे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो आप सेटिंग कर सकते हैं आप अपने सॉफ्टवेयर की। डॉल बाई में ये आपको सब सिखाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए इसमें दे रहा है, आप उसको कर सकते हैं। सेटिंग में जा कर के आप लर्न भी कर सकते हैं कि डॉल बाइक में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या किस तरह से करना है। अभी हम लोग कुछ साउंड को रिकॉर्ड करेंगे। साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड वाला दबाइएगा जब आप, तो वो आपकी साउंड को रिकॉर्ड करने लगेगा और डॉल बाइक में आप अच्छे से अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि माइक लेवल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट साउंड, यूज माइक इन ओवरलोडिंग, ट्राई मूविंग इट अवे फ्रॉम यू। और यहाँ से आप देखिए क्लिक करिएगा तो बताएगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे सेट करिए, इक्वलाइज कैसे करिए, एक्सपेंड साउंड कैसे करिए, क्लीन अप ट्रैक कैसे करिए, ये सारा कुछ ये सिखा रहा है। यहाँ से साउंड आपकी रिकॉर्ड हो गई जब, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। अब आपका एक ट्रैक बन गया, ये ट्रैक जो बन रहा है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए इस ट्रैक को आप खोलिए, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड वाला दबाइएगा जब, अब ये टूल दबाइएगा जब आप टूल दबाइएगा तो आपके पास साउंड के देखिए 5 टूल आ गए, जिसमें से स्टाइल आया। स्टाइल में आपके डिफरेंट स्टाइल आएंगे, स्टैंडर्ड आएगा जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट हो जाएगा, नेचुरल जैसा आपने सेव किया वैसा हो जाएगा, थंप है, ऑफ है, ऑफ में आपका इको नहीं आएगा, आपका एम्ड है, लिरिक है जो साउंड के लिए म्यूज़िक के लिए यूज़ होगा, डीप है जिसमें आप बैस को बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से डिफरेंट स्टाइल है, तो आप किसी एक को करके स्टैंडर्ड करा आपने तो देखिए ये 10 आया। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो आप जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसमें देखिए और भी चीज़ें हैं, जब आप वापस जाइएगा तो देखिए इसमें है नॉइस, अगर पीछे आपके कोई नॉइस है तो उसको आप कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। टोन में जाइएगा तो आप टेरेबल और बास को सेट कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब जब आप बूस्ट पे जाइएगा तो अपने साउंड को आप बढ़ा सकते हैं, लाइट रहेगी कि हैवी रहेगी, कैसी रहेगी। अभी हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसको 3 ही करते हैं और इसको सेव कर देंगे। आप अपने जो सेव किया अपने वॉइस को उसको ट्रिम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप तो वो आपकी साउंड को रिकॉर्ड करने लगेगा और डॉल बाई में आप अच्छे से अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि माइक लेवल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट साउंड, यूज माइक इन ओवरलोडिंग, ट्राई मूविंग इट अप। अब यहाँ पर ट्रिम जब आप करते हैं तो ये आता है, तो पीछे से आप या आगे से आप जिस तरफ से चाहेंगे उस तरफ से साउंड को ट्रिम कर सकते हैं। तो अभी हमें ट्रिम नहीं करना है तो हम वापस चलते हैं। तो इस तरह से 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी साउंड को अच्छा बना सकते हैं। अब हम लोग ने जो कुछ भी सेट किया है उसको सुनते हैं। साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड वाला दबाइएगा जब आप, तो वो आपकी साउंड को रिकॉर्ड करने लगेगा और डॉल बाई में आप अच्छे से अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि माइक लेवल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट साउंड, यूज माइक इन ओवरलोडिंग, ट्राई मूविंग इट अवे फ्रॉम यू। और यहाँ से आप देखिए क्लिक
क्लिक करिएगा तो बताएगा कि आप अपने फोन को कैसे सेट करिए, इक्वलाइज कैसे करिए, एक्सपेंड साउंड कैसे करिए, क्लीन अप ट्रैक कैसे करिए, ये सारा कुछ ये सिखा रहा है। डॉल बाई में आप न्यूज रूम भी बना सकते हैं और पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। ये मल्टीपर्पज के लिए यूज़ किया जाता है और न्यू यूट्यूबर के लिए इसलिए हेल्पफुल है। स्टार्टिंग में न्यू यूट्यूबर को इन सब चीज़ों को यूज़ करने का तरीका नहीं पता होता है, तो इसको यूज़ करके वो इजीली अपनी साउंड को मॉड्यूलेट करके अच्छे से वीडियो में डाल सकते हैं या डायरेक्ट वीडियो भी बना सकते हैं। इसमें तो हम आपको साउंड रिकॉर्डिंग बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे अगर आप कमेंट में लिखिएगा कि हमको आप वीडियो बनाना भी सिखा दीजिए तो हम उसको भी बता देंगे। और इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इसमें देखिए ये आपके फ़ोन को सेट कर देगा आपके वीडियो के अकॉर्डिंग, कितनी वॉइस आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक। जॉइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट में क्वेश्चन करिए अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो। और प्लीज़ वॉच करिए और शेयर करिए। थैंक यू।